नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी चौधरी के दिल में क्या है। जींद चुनाव को लेकर जंग तो चल रही है और जुबानी तीर भी चल रहे हैं, कहीं पुरानी कसक बाहर आ रही है तो कहीं दिलों से जज्बात फूटकर निकल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी चुटकी लेते लेते जज्बात में बह गए और चौधरी के दिल की बात जुबा पर आ गई। जब हरियाणा के हार्ट जींद की बात चल रही है तो दिलों की बात होनी भी लाजमी है और दिल से ही जज्बात निकलते हैं और जींद के इस चुनावी जंग में पूरा मंच सजा हुआ है। बयानबाजी की गंगा बह रही है और हर कोई इस गंगा में डुबकी लगाने को आतुर है और इसी बेताबी में बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन निशाना कहां लगा है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जींद के दिल में क्या है, इसको टटोलने की कवायद हो रही है। जींद को हरियाणा का हार्ट कहा जाता है और जींद के दिल को जीतने की जंग इस वक्त चल रही है। मैदान में सूरमा उतर चुके हैं और जंग का बिगुल बज चुका है। जींद के दिल पर राज करने के लिए हर पार्टी बेताब है, सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं, चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। सभी पार्टियों के नेता प्रचार में बिजी हैं और जब प्रचार होगा तो बयानबाजी भी होगी, आरोप भी लगेंगे, दुश्मनी भी निकाली जाएगी, तलखी भी दिखाई देगी और चुटकी भी ली जाएगी। अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह ने भी जींद चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सुरजेवाला की उम्मीदवारी पर चुटकी लेते हुए राहुल गांधी के फैसले को सही बताया। चौधरी के दिल में क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चौधरी वीरेंद्र सिंह से पुरानी दुश्मनी है। अगर हरियाणा में हुड्डा कमजोर होते हैं तो इसमें वीरेंद्र सिंह को कोई फायदा तो नहीं दिख रहा। हरियाणा में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। सुरजेवाला को जींद उपचुनाव में बलि का बकरा कहा जा रहा है। सुरजेवाला को लेकर कांटा निकले का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। अगर सुरजेवाला भी कमजोर होते हैं तो फायदा कई नेताओं को होगा। अब उनकी इस चुटकी के पीछे क्या है, ये वीरेंद्र सिंह की चुटकी है या दिल की बात है, इसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिया उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आखिर चौधरी के दिल में क्या है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने कभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तल्ख टिप्पणी नहीं की है। इसके पीछे भी कई वजह हैं। कांग्रेस छोड़कर वीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उनके दिल में क्या है ये कोई नहीं समझ पाया है। जींद उपचुनाव के लिए टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं चली। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसके मुताबिक हुड्डा विधायक जेपी के बेटे विकास के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने भरोसेमंद रणदीप सुरजेवाला को टिकट देकर सभी को चौंका दिया। अब मैदान जंग में जोर आजमाइश चल रही है। जींद के चुनाव से काफी कुछ बदल सकता है, क्योंकि इस चुनाव में कई दिल टूट सकते हैं और कई दिल जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के दिल में क्या है, जींद की जनता क्या चाहती है और चौधरी वीरेंद्र सिंह के मन की बात क्या है जो जुबा पर आ रही है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश कटारिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में है, कांग्रेस पार्टी से प्रदेश मीडिया प्रभारी विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप भोड़ा जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलवीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुदेश कटारिया जी, आज जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे रेस में रणदीप सुरजेवाला को उतारा गया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि
ये वो हंसते हैं इस बात पर कि रणदीप सुरजेवाला को उतारा गया। मनीष ग्रोवर कहते हैं कि बलि का बकरा बना दिया, और वो वीडियो तो वायरल हो ही रहा है, कांटा लगा। और दूसरी तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने, यानी राहुल गांधी ने, बहुत सही किया। तो पार्टी लाइन से हटकर क्यों चल रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी बात क्या है? देखिए, उनकी बात शुभेंदु जी, बात समझने की कोशिश कीजिए कि जी समझाइए। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को बलि का बकरा बनाया, पार्टी के सर्वोच्च नेताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के नेताओं को भी, जींद की जनता को भी, हरियाणा प्रदेश की जनता को भी ये पता था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से विधायक है, और कैथल से नहीं, विधायक होने के ये बाद बात तो मनीष ग्रोवर जी की हो गई। चलिए, ये बात मान, मैं बताता हूँ चौधरी बीरेंद्र की बात पे होगा, उनका उनकी बात समझने की कोशिश ठीक कीजिए है। कि उनको उतारने का मकसद क्या है। बलि का बकरा बनाना है, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जींद की जनता जहां जहां भी गांव में प्रचार करने गए, वहां वहां हर आदमी पूछता है कैथल की आवाज कितनी उठाई, और कैथल में क्या विकास कार्य करवाए, कैथल के लोगों के हक और हकूक की क्या लड़ाइयां आपने लड़ी जो जींद में करना चाहते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा है। कांग्रेस पार्टी जमानत जब्त के कगार पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने बड़े नेता की कांग्रेस में जितना बड़ा उसका कद है, उस कद को कम करने का काम किया, इसको बलि का बकरा बनाने का काम किया। हम विकास के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व वाली जो सरकार, जिसने विकास की डोर को मजबूत किया है, उनके चलते जींद नहीं, की ये तो जनता चुनावी आतुर है चुनावी आने वाले 28 तारीख को। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक तरफी भारतीय जनता वोट की पार्टी की अपील जीत है थोड़ी है। हमारी मैं आपसे ईमानदारी और सिर्फ ये विकास पूछ के रहा नाम हूं पर। कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखा जाए। देखो, मैं बता रहा हूँ, रणदीप सुरजेवाला को मुख्यमंत्री हंसते हैं, मनीष ग्रोवर कहते हैं कि ये तो बलि का बकरा बना बलि का दिया। बकरा इनको बना दिया। दूसरी तरफ बीरेंद्र सिंह कहते हैं कि ये क्या कर दिया साहब, ये तो राहुल गांधी ने बहुत सही किया है, ये सही कैंडिडेट उतारा है, ये तो उन्होंने उनकी तरफ से एक आ गया। उन्होंने इसलिए सही कहा कि एक तरफ तो रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश में जाके हर हल्के में अपने नहीं, आप ऐसा को तो नहीं कि मुख्यमंत्री क्योंकि प्रोजेक्ट करते हैं, 40 मैं बता 42 रहा साल हूं। लगभग उन्होंने कांग्रेस बिल्कुल पार्टी के अंदर गुजारे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, नाराजगी मुख्यमंत्री से इस वक्त भी रहती है, कई बार ऐसा देखने को भी मिला है। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं यू टर्न हो जाए, कहीं नहीं, वापसी हो ये जाए, तो ऐसा कुछ? ये लोकतांत्रिक पार्टी है, संवैधानिक बात कोई भी कर सकता है, और उनकी तो आदत रही है, वो मुंहफट है और मुंह पे कह देते हैं, लेकिन उनकी बात कहने का नहीं 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 मैं वो एक बताता हूं। नहीं, मंत्री उनकी हैं, एक बात कहने बड़े का ओहदे पर नजरिया हैं, नजरिया देखने की बात मुंहफट है होने का उन्होंने, ये मैं बता कोई रहा नहीं नहीं हूं। नहीं नहीं, आप उनकी बात को समझने की मैं कोशिश इस कीजिए, बात मैं से बता रहा हूं। मैं इस बात से एक तरफ एतराज तो कर रहा हूं, रणदीप सिंह वो सुरजेवाला मंत्री हर हल्के हैं, में जाके वो मुख्यमंत्री मंत्री हैं, और प्रोजेक्ट यदि करते वो हैं। कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहे शुभेंदु हैं। जी, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी और मेरे प्रवक्ता मैं तो से भी आपसे पूछ कि रहा हूं, मैं जींद उनसे में भी मैं चुनाव उनसे भी जीतकर क्या पूछूंगा, रणदीप मैं सिंह उनसे भी सुरजेवाला क्या पूछूंगा, बनना चाहते हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन आप अपना तो जवाब दीजिए मैं ना। बता रहा हूं। तो उन्होंने उनके किन दिल में एकत क्या है, कहा, क्या जानने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने? आप कह रहे हैं कि बड़ी ही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी पार्टी के भीतर हम सबकी बात सुनते हैं, तो वो क्यों ऐसे मंचों पर आकर ऐसी सार्वजनिक तौर पर ये बातें कर देते देखो, हैं? उनकी बात कहने का मतलब समझिए, उन्होंने क्या कहा वही जानना कि चाह रहे हैं। ठीक किया इतने बड़े नेता को मुख्यमंत्री बलि कहते का हैं गलत बकरा कर बनाने दिया, के वो लिए। हंसते हैं, मनीष ग्रोवर कहते हैं कि ये क्या हो गया, दूसरी तरफ वो कहते हैं देखो कि ये देखो, तो सही किया है। एक तरफ तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक तरफ अभी मौजूदा विधायक भी है कैथल में, और दोबारा जींद का चुनाव लड़के क्या मुख्यमंत्री का आप चुनाव फिर है। वहां, मैं आप आपसे पूछ समझिए रहा हूं, उनकी आपकी बात पार्टी को, की बात, उनकी आप बात को कांग्रेस पर समझने पहुंच की रहे हैं, कोशिश कीजिए। उन्होंने आप बिल्कुल अपनी सही पार्टी का कहा, तो मैं जवाब उसका दीजिए जवाब ना। देने दीजिए। आप मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं, एक तरफ नहीं, तो आप पूरे बताने के हल्के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, इस प्रश्न के जवाब को लेकर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके तो अलावा आपने उनका सारी चीजें मतलब कह सिर्फ दी। ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े नेता को बलि का बकरा बना दिया, सिर्फ और सिर्फ ये है। नहीं, वो आप तो ये कह समझने रहे की हैं कि राहुल कोशिश गांधी कीजिए, ने बहुत सही बहुत किया है। सही आप किया, देखो, बहुत कांग्रेस को सही किया कितनी कि इतने बड़े चिंता है। नेता को तार कर, जो राष्ट्रीय इनका मीडिया प्रभारी है, प्रवक्ता भी है, और मेन राहुल गांधी के बिल्कुल राइट हैंड माना जाता है, उनको उतार कर उनका आईना दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है कि कांग्रेस पार्टी का कितना वर्चस्व हरियाणा में है, अब पता चल जाएगा। नहीं तो ये सुरजेवाला के लिए सही है या गलत है, क्या वाकई जी, में बलि का बकरा बनाया? बलि का बकरा बनाया है, बिल्कुल नहीं तो क्लियर कट डेंट बलि कौन का बकरा करेगा फिर, बनाया डेंट है। कौन करेगा, पार्टी को पार्टी क्या जी, डेंट कौन करेगा, नुकसान कौन पहुंचाएगा इसमें? सारे सारे रणदीप को छोड़ के सारे नुकसान पहुंचाने के लिए है, सारे के सारे, बिल्कुल एक भी चलिए, नेता उनके पक्ष में नहीं। आप देख लेना, अभी चुभेंदु जी अभी मुझे अभी ठीक दूर है नहीं जरा। शुभेंदु जी, चुनाव के अभी वोटिंग है, और वोटिंग के बाद परिणाम भी है, परिणाम में आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट। फिर समझाना चाहता हूं मैं, एक तरफ तो हर हल्के में जाके मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होता है कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा, अब जींद में टिकट देकर उसको क्या मुख्यमंत्री का चुनाव है। और एक ठीक बात है। समझने की कोशिश कीजिए, हरियाणा प्रदेश के लोग बड़े जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या जींद में चुनाव जीतकर गिनती पूरी हो जाएगी विधानसभा में? हरियाणा प्रदेश के लोग चलिए जागरूक ठीक हैं, है,
इस बात का भी जवाब लेंगे से जवाब और इस बात का भी जवाब लेंगे कि क्या के जनता के हक और हकूक के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी। आपके हर बात का जवाब दूंगा। सबसे पहला मुद्दा ये है कि भाजपा की संस्कृति प्रदेश और देश की जनता को देख लेनी चाहिए कि किस प्रकार वीरेंद्र सिंह जी के लिए उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता उन्हें मुंहफट नेता कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि अगर भाजपा के नेता कांग्रेस प्रत्याशी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी हाईकमान के इस निर्णय को ठीक ठहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि भाजपा में आज भगदड़ की स्थिति है और भाजपा के बहुत से नेता अंदर खाने तारीफ नहीं कर कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और जींद उपचुनाव के जो हमारे पार्टी प्रत्याशी हैं चौधरी रणदीप जी। अच्छा, इस स्टेट की इस स्टेटमेंट के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि वापसी हो कि ऐसा कुछ उम्मीद है? देखिए 101% भाजपा के बहुत से नेता पार्टी हाईकमान के संपर्क में हैं और निश्चित तौर पर चुनाव से पहले आप उस लिस्ट के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम है और कांग्रेस के अंदर देखिए हमें भी तो ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए। नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम उस लिस्ट के अंदर है या नहीं खुलासे होंगे। और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि इस उपचुनाव में चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की मदद भाजपा के बहुत से नेता अंदर खाने कर रहे हैं और निश्चित तौर पर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला भारी बहुमत के साथ बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कैथल से मौजूदा वक्त में विधायक रहे जी, अब जींद के अंदर क्यों उतार दिया गया? क्या या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस नाम को लेकर गए थे, क्योंकि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी कहा जिस नाम को लेकर के हरियाणा कांग्रेस के नेता पहुंचे थे वो तो कांग्रेस ही नहीं था जिसको लेकर पहुंचे थे। देखिए जो जींद उपचुनाव है इसके द्वारा पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं और वो पार्टी की नीतियों को बहुत बेहतर तरीके से आम जनता तक पहुंचा सकते हैं और इस उपचुनाव के माध्यम से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि किस प्रकार कांग्रेस की जो नीति है वो सर्व समाज की भलाई के लिए है, समाज के जो प्रत्येक वर्ग है उस तक कांग्रेस अपनी जो नीतियां हैं पहुंचाने का काम रणदीप सुरजेवाला जी के माध्यम से कर रही है और समाज के सभी वर्गों का समर्थन उन्हें जींद के उपचुनाव में मिल रहा है और निश्चित तौर पर वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। और खास तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी इस चुनाव में पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे हरियाणा भर से जाकर नहीं, अच्छा, जो लोग कांग्रेस में गुटबाजी की बात किया करते थे आज आप देख रहे हैं कि इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह गुटबाजी को लेकर कोई भी नेता हो सभी पूरे जोर शोर से इस चुनाव में लगे हुए हैं भारी बहुमत के साथ। सिर्फ एक मिनट, जब जमानत जब्त होगी तो उसका ठीक रास्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए साथ है। अच्छा विजय कौशिक, विजय कौशिक जानते पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है अगर उनकी जमानत जब्त हुई तो क्या मैं हरियाणा जोड़ा जाएगा पार्टी के सिपाही है उनकी जमानत कांग्रेस। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, और बदलते हुए नजर आ रहे हैं इसमें आपकी पार्टी कितना कदम आगे है? आप ये मानकर चल रहे हैं कि समीकरण यदि देखें जाट समुदाय ब्राह्मण समुदाय इस अकॉर्डिंग कितना आगे आप हैं? देखिए शुभेंदु जी, जो समीकरण वहाँ पे जींद की धरती पर जो जींद की विधानसभा के अंदर जो चुनाव अभी उपचुनाव की बात चल रही है और अभी 28 तारीख का चुनाव घोषित हो रहा हुआ है उसके अंदर बड़ा स्पष्ट तौर से बिल्कुल स्पष्ट सामने है कि जनता ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा कि पांच योजना 25 साल तक कांग्रेस को भी देखा और 20 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल को भी देखा। अगर जींद की धरती पर 1% भी कोई विकास नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई जींद के लिए किसी ने सोचा नहीं समझा नहीं, दोनों पार्टियों की सरकारें रही, कांग्रेस की सेंटर में भी सरकार रही, प्रदेश में भी सरकार रही, अब निश्चित तौर पर पंडित विनोद आश्री जी जो कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कैंडिडेट हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल साफ छवि के व्यक्ति, कौशल व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति और वो व्यक्ति जिसने पूरे ने जींद के नगर निगम के अंदर मेयर पद पर रहते हुए काम किया और जींद के अंदर जो एक मेयर के दायरे के अंदर सुनिए कांग्रेस पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला को उतारा, किसी नीति के तहत उतारा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण मिड्डा को उतारा, दिग्विजय चौटाला जेजेपी से उतरे हैं मैदान में, तो कुछ तो उनकी भी रणनीति रही होगी। आप कह रहे हैं कि नहीं जी विनोद आश्री जी पूरी बाजी जीत जाएंगे तो उनकी तो नीति भी होगी ना। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण मिड्डा जी को उतारा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सुनिश्चित कैंडिडेट वहां पे नहीं था। जिस जो मिड्डा जी की और इंडियन नेशनल लोकदल की 10 साल की जो फेलियर राजनीति है
उस फेलियर राजनीति का ही एक चेहरा है कृष्ण मिड्डा, उसी कृष्ण मिड्डा को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उस जींद की धरती पर फेलियर होने के लिए और उस जींद की धरती पर ना विकास करने के लिए उस कैंडिडेट को उतारा। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पास जैसा कि सभी प्रवक्ता भाई बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास आपसी खींचातानी की वजह से और आपसी इतनी भारी लड़ाई और मुख्यमंत्री पद के लिए दुनिया भर के जो नेता जिसकी जमीनी हकीकत है या नहीं है या जो व्यक्ति वास्तव में मुख्यमंत्री पद पर रह भी चुका है, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के लिए ऐसा बहुत सारे इसके रास्ते निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि बाकी बचे हुए चार मुख्यमंत्री की दावेदारी करने वाले लोगों ने उसको बलि का बकरा बनाया और एक आदमी को वहीं पे खत्म करने का प्रयास किया। दूसरी बात जो यहाँ पे बात आ रही है चौधरी बीरेंद्र सिंह की, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी दिल की बात कही कि राहुल गांधी जी ने सुरजेवाला को उतारकर बहुत अच्छा फैसला लिया। मेरे भाई सुदेश कटारिया जी, भाई कौशिक जी, सभी शायद उस बात की गहराई तक नहीं जा पा रहे हैं। बीरेंद्र चौधरी जी भी उन नेताओं के अंदर एक नेता रहे जो अपनी जात के नेता रहे और ऐसा बहुत बार देखने को मंच पे सामने आया कि मैं पार्टी का नेता बाद में, मैं देश का प्रदेश का मंत्री बाद में, पहले मैं जाटों का नेता हूं। उनको कहीं ना कहीं अंदर खाने खुशी है, इस चीज की खुशी है क्योंकि कहीं ना कहीं जातिवाद इनके खूनों में, इनकी रगों के अंदर दौड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो बात सामने आई है कि हाँ, एक जाट के सीनियर लीडर को जींद की धरती पर उतारा, क्योंकि आज तक ये इतना बड़ा बवंडर जो सारी पार्टियां झूठ बोल रही हैं कि जाट लैंड और ये बांगर की धरती, आज तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक कोई अगर नहीं तो अगर जाट नेता के तौर पर वो स्टेटमेंट देते हैं तो दिग्विजय चौटाला, अगर ये जाट नहीं, दिग्विजय चौटाला भी इस वक्त मैदान में है, कोई ना कोई जाट विधायक नहीं, समीकरण तो है ना कुछ ना कुछ, या तो ये समीकरण बन रहे हैं कि इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीच तनातनी रहती रही है, जुबानी जंग चलती रही है, या तो उसका एक परिणाम इसको मान लिया जाए। लेकिन अगर आप ही कहते हैं कि जाट नेता है तो दिग्विजय चौटाला भी इस वक्त मैदान में है, शायद उनके नाम सुनने के बाद शायद उनको भी खुशी होती। ठीक है, जरा रिएक्शन ले लेते हैं। मैं सुभेंदु जी आपका जवाब देता हूं, आपका जवाब देता हूं, इसमें कोई संकोच नहीं है इस बात में कि ये राजनीति है। इसके अंदर बीरेंद्र सिंह जैसा नेता जो खुद अपने आप को बीजेपी के एक सीएम कैंडिडेट के लिए कई बार प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर चुका है, उनके दिल में एक उम्मीद है और आशा है और मन में वो लालच लेकर रोज सोते हैं कि शायद मैं भी कभी सीएम के लिए बीजेपी मुझे प्रमोट करे। ऐसा होता है कि अगर सुरजेवाला कहीं ना कहीं बीजेपी का कैंडिडेट, कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मात देने के लिए, ये बिल्कुल जो चुटकी वाली बात बड़े भाई सुदेश जी ने कही कि वो चुटकी लेने का एक प्रयास किया गया चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि चुटकी ली गई हो और रणदीप सुरजेवाला जी को जो दोस्ती निभाने का प्रयास हो चुटकी के माध्यम से किया गया हो। अच्छा दलबीर जी, दिग्विजय चौटाला, आप ये सबसे पहले तो वीरेंद्र सिंह को लेकर जो जिस तरीके से दिल की बात निकली है, आपको लग रहा है कि वाकई में सिर्फ चुटकी ली गई है या पहले की जो टीस थी, जो दर्द था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, जो तनातनी, जुबानी जंग, ये सब वो निकल कर सामने आ रहा है अब, या फिर कांग्रेस से कनेक्शन दोबारा से है? समेंदु जी, आज का मुद्दा चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, बाई इलेक्शन की तो हम बातें करते रहते, बाई इलेक्शन की मैं बता दूं हर पार्टी इसमें अच्छे से अच्छे कैंडिडेट उतारने की कोशिश की, कोई भी पार्टी है उसमें अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ेगी, क्यों बाई इलेक्शन है ये, एक चुनाव पूरे हरियाणा में, इसमें अगर किसी की कसर रहेगी तो सच्चाई है वो पीछे रह जाएगा, ये आईना है, ये अग्नि परीक्षा हर पार्टी के लिए, ये दाम मान के चलिए, कोई कसर नहीं छोड़ेगा किसी भी तरह की। जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बातें हैं, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर लो, इंद्रजीत जी की बात कर लो, आज भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग इन लोगों का हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु मैं एक आरोप रणदीप सुरजेवाला जी और वीरेंद्र सिंह जी, अपने आप को बांगर धरती का नेता मानते हैं, आपको ध्यान होगा 10 साल और 5 साल वीरेंद्र सिंह कैबिनेट में मंत्री रहे, हुड्डा साहब के यहाँ, और 10 साल रणदीप सुरजेवाला जी रहे, हालत क्या रही जिंदगी 10 साल में, उन 10 सालों में हालत क्या रही, और अब 4.25 साल यहाँ हो गई भारतीय जनता पार्टी के टाइम, 4.25 साल में क्या हालत हो गई। अब कृष्ण मिड्डा जी को उतार दिया है क्योंकि हरिचंद मिड्डा जी बहुत अच्छे इंसान जिसको हम कह सकते हैं आदरणीय है सबके, वो उन्होंने विधानसभा में एक रो के बात कही थी, आकाश में विधानसभा में इसलिए बोल रहा हूं, सीएम साहब लोग मेरे कपड़े फाड़ते हैं वहां, मैं आपके कपड़े क्यों ना फाड़ू विधानसभा में, कृपया करके जींद में किसी ने काम नहीं किया कुछ काम कर दीजिए ताकि मैं लोगों को कुछ जवाब दे दूं। उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज हद हो गई, विशेषक बैठे हैं स्वामी जी गुरु जी हमारे, मैं तो इनसे भी एक बात आज पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या होगा जो 5 साल होने को केंद्र में हो गए, 4.25 साल हरियाणा में हो गए, एक अपने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे पाए, ये बड़ा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में। जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर रहे हो, रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहे हो, आपको ध्यान होगा जब भी जींद की सीमाएं शुरू होती थी, जिसको हम सीम बोलते हैं,
रोहतक की जहां खत्म होती थी वहां की शुरू होती थी, डबल रोड से सिंगल हो जाती थी। और रोड किस तरह की होती थी हम सब मित्र जानते हैं, एक एक जानते हैं, सब जानते हैं हालात आज जींद के क्या हैं। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका जींद है, वहां अगर काम किसी ने किया है जननायक ताऊ देवीलाल ने काम किया, उनकी कर्णभूमि है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम का है। पिछले 14.5 साल हो गए अगर किसी ने एक ईंट लगाई हो, आप देख सकते हो 14 साल पूरे हो चुके, 4 साल बीजेपी के, 10 साल कांग्रेस के। मेरी एक और सुन लो, चौधरी वीरेंद्र सिंह आप ढूंढते जाना, इंद्रजीत जी, शैलजा जी, किरण चौधरी, क्या क्षेत्रवाद का आरोप नहीं लगा इन सबों ने? दो तो पार्टी से निकल गए, बीजेपी में चले गए। और चौधरी वीरेंद्र सिंह आज मोह भंग हो चुका है, राव इंद्रजीत का भंग हो चुका है, ये वापसी का रास्ता तलाश रहे, ये नहीं पता जाएंगे कहां। ठीक है, चलिए आपके 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 पार्टी की तरफ यदि रुख करते हैं, क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि संपर्क भी है, चर्चाएं चल रही हैं, तो ऐसा है क्या जेजेपी? समेंदु जी, आपको पता हमारी नई पार्टी पहला चुनाव है, बिल्कुल नई पार्टी है, अच्छे कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता जो बन के आएगा उनका स्वागत है, क्यों नेता हमारे पास है दुष्यंत जी। ठीक है, चलिए मैं जरा सुरेंद्र जी से रिएक्शन ले लेता हूं, मैं उसके पास आता हूं, भोड़ा जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी, ये अगर हम देखें चौधरी वीरेंद्र सिंह के दिल की बात जब जुबा पर निकल कर आई, तो महज इसको ये मानकर चले कि चुटकी है, पहले की जो जंग चल रही थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उसकी टीस है, या फिर नए संकेत समीकरण जो बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जाने के लिए, क्या ऐसी भी सुगबुगाहट इसको माना जाए? नहीं, देखिए इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें आपको देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि हरियाणा में जाटों की राजनीति हमेशा से मुखर रही और 3 बड़े जाट नेता रहे, देवीलाल जी के बाद ओम प्रकाश चौटाला रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे और चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे। ओम प्रकाश जी चले गए, हुड्डा और वीरेंद्र सिंह रह गए, हुड्डा की वजह से वीरेंद्र सिंह जी भाजपा में चले गए। अब इस समय 2 ही लीडर थे, एक भूपेंद्र सिंह और एक वीरेंद्र सिंह। आपको ध्यान होगा जब वीरेंद्र सिंह जी की पिताजी का मूर्ति का अनावरण हुआ था तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि भाई हम कोई घास खोदने थोड़ी आए राजनीति में, तो उनको लेना है वर्चस्व कि मैं जाटों का वर्चस्व मेरा बन जाए, मैं सबसे बड़ा लीडर हो जाऊं। तो भूपेंद्र हुड्डा जी रोड़ा थे तो वो वैसे ही बेचारे परेशान है, हट गए, और जो बची खुची थी वो सुरजेवाला को उतार करके उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन अब ये मानकर तो इसमें क्या होगा कि सुरजेवाला, देखिए अभी मैं हार जीत पे नहीं कह रहा हूँ, सुरजेवाला हारे या जीते, भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला में लाइनें खींच गई, और जब लाइनें खींच गई तो अब जाटों का लीडर बड़ा कौन रहा? भाई दुष्यंत तो अभी आए हैं बड़े लीडर बनने में स्टेट लेवल पे, कि लोग कहें कि हाँ जी ये हमारे जाटों के लीडर हैं, उसमें थोड़ा टाइम उनको अभी लगेगा, अभी उनको एस्टेब्लिश करना है। तो वीरेंद्र सिंह को एकदम सामने वही एक चेहरा आएगा जाटों के लीडर का, और इसीलिए जब उन्होंने कहा, आप उनकी वो आप चेहरे के भाव पढ़िए, उन्होंने जब ये बात कही है कि भाई डायरेक्ट राहुल गांधी ने कहा बहुत अच्छा किया है, तो बहुत अच्छा किया है का उसका मतलब ये है कि भाई मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया है कि अब मैं सबसे बड़ा जाटों का लीडर बन जाऊंगा। अब यह है कि वो कांग्रेस में वापसी करेंगे या भाजपा उनको प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन दोनों बीजेपी तो पहले कह चुकी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, देखिए लोकसभा चुनाव में वेस्टर्न यूपी में जाटों का दबदबा है, राजस्थान में भी जाटों का काफी दबदबा है, ठीक है उनका आज तक कभी सीएम नहीं बन पाया वो एक अलग विषय है, और हरियाणा में तो है ही। तो ऐसी स्थिति में अगर हरियाणा के एक प्रमुख जाट लीडर को भारतीय जनता पार्टी चेहरा बना के उभारती है तो लोगों को एक तसल्ली मिलती है कि चलो भाई भाजपा में कभी राजस्थान में नहीं बना, कभी यूपी में नहीं बना, और चरण सिंह जी रहे मतलब आज के मौजूदा हाल में, तो अगर हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह को वो ताकत मिल रही है, इज्जत मिल रही है, तो हम भाजपा के साथ चले। अच्छा, एक जो कांग्रेस तो उनका मुख्य कारण जो मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने जो जोर दे के कहा कि नहीं राहुल जी ने बहुत अच्छा किया, सही किया है, तो वो सही किया का मतलब ये कि भाई मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। तो ये जो कहा जा रहा है कि कांटा निकल गया रामविलास शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की जो बात थी, तो वाकई में इस कांटे निकलने को लेकर ही वहां कनेक्शन है क्या कुछ? नहीं, देखिए रामविलास शर्मा जी को तो सबको मालूम है, चुनाव से पहले जब हुड्डा जी सीएम थे तो उनके उनके क्या रिलेशन थे, मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो असली बात है जो चौधरी वीरेंद्र सिंह पे हो रही है कि राजनीति में हर आदमी अपना वर्चस्व चाहता है। अच्छा सुरेंद्र जी, एक चीज और कि इस टिकट बंटवारे से, जींद उपचुनाव के टिकट बंटवारे से कांग्रेस पार्टी के भीतर खासतौर पर
ये साफ हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतना बड़ा कद नहीं है, रणदीप सुरजेवाला की नजदीकी आलाकमान से ज्यादा है। नहीं, वो तो उसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, उनको जितनी प्रमुखता वहां पे राष्ट्रीय स्तर पे दी हुई है किसी को नहीं है। और मेरा अपना ये मानना है कि राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला अब नया चेहरा कांग्रेस का यहाँ पर बने, क्योंकि अशोक तंवर बन नहीं सकते। भूपेंद्र हुड्डा पे इतने सारे केसेस चल रहे हैं, एक उनका एक हर आदमी का एक फेज होता है, उनका बेटा उसमें इंटर को लेने की स्थिति में नहीं है, तो वो रणदीप सुरजेवाला को उतारना चाहते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस सुरजेवाला को उतारने में दल अलग अलग बने हुए हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे रणदीप सुरजेवाला को? जैसे जींद उपचुनाव के अंदर कहा जा रहा है कि अंदर भीतर खाने बहुत कुछ बिगड़ने जा रहा है सुरजेवाला को, रणदीप सुरजेवाला को इस चुनाव में उतारना कांग्रेस की रणनीति की भूल है, मैं तो ये मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ, पहली बात तो ये है कि जींद कोई शहर है, कस्बा है, बड़ा शहर है, तो वहां बड़े शहर में आप ये नहीं कह सकते भाई यहाँ जाट के नाम पे कोई आदमी जीत जाएगा, पहली बात। तो इसलिए सुरजेवाला को वहां उतार देना ये कह के भाई जाटों का बड़ा लीडर है, इसको वोट मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वहां पे मेरा अपना ये मानना है आज की तारीख में जो यूथ है जाटों में, वो जो इनकी जज्बा पार्टी है दुष्यंत चौटाला है, उसकी तरफ वो देख रहा है कि भाई ये जो सारे जाट लीडर खत्म हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारी लीडरशिप कहाँ जाएगी। और चूंकि अब उनका भाई ही उतर गया है मैदान में, तो मेरा ये मानना है कि जाटों का जो पोलराइजेशन होगा जाति के नाम पे, वो रणदीप सुरजेवाला के नाम पे नहीं होगा, बल्कि वो दिग्विजय सिंह चौटाला दुष्यंत के नाम पे दिग्विजय के लिए होगा। लेकिन दिग्विजय के लिए मुसीबत यह है कि शहर का चुनाव है, आपको दूसरी भी जातियां हैं जिनके वोट चाहिए, अब उसमें एक छोटी मोटी सेंधमारी आपके सैनी जी की पार्टी करेगी, उधर फिर भाजपा ने भी आपको नॉन जाट कैंडिडेट वहां पे दिया है। और भाजपा को देखिए, भाजपा का तो क्या काम है, भाजपा का तो ये काम है कि भैया 9 सीटें थी, 9 से 47 पे आ गए, तो आप ही लोगों के लोग आए इधर उधर से, अब उनको ये उपचुनाव लड़ना है। भाजपा आज तक कभी जीती नहीं, अपने कार्यकर्ता को उतार के फिर टक्कर से बाहर हो जाए। तो उन्होंने जो इन्होंने कहा ना कि भाई उनके फादर की अच्छी छवि थी, इनेलो के समर्थन से बने थे, उनके बेटे को टिकट दी है, वो नॉन जाट हैं, इनेलो के जो पुराने समर्थक हैं जो उनके फादर के प्रति वफादारी रखते थे, उनका रुझान उनके लिए रहेगा, प्लस जो भाजपा का अपना जितना भी वोट बैंक जींद में है वो मिलके वो टक्कर में आएंगे। और मैं ये मानता हूं कि ये इलेक्शन जजपा और भाजपा के बीच में होगा। चलिए ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटा सा ब्रेक का उछला, लेकिन ब्रेक के उस पर जरा ये भी समझेंगे कि जींद उपचुनाव के परिणाम क्या 2019 के लिए पूरी तैयारी मानकर चले। और जैसा कि जननायक जनता पार्टी कह रही है कि ये हरियाणा का गेटवे है, तो यहां से सभी समीकरण बनेंगे और बिगड़ भी जाएंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे पहले हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीच जो तनातनी रही और जो बीरेंद्र सिंह की तरफ से दिल की बात जो जुबा पर आई उसको लेकर जिक्र था, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस बयान का आने वाले समय में होने वाले 2019 के चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। हरियाणा में विधानसभा के जब चुनाव होंगे, क्या उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और उससे पहले इस जींद उपचुनाव में जब वोटिंग होगी, क्या उस चीजों का भी असर उस वक्त के इलेक्शन ओवर पड़ेगा। ठीक है विजय जी, सबसे पहले आपसे रिएक्शन, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोधियों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सीएम की उम्मीदवारी को लेकर ये चुनाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जो विधायकों का निर्णय रहा वो सर्वोपरि रहा, इसका सीएम चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का चुनाव है, और रणदीप सिंह किसकी लीडरशिप में, किसकी लीडरशिप में? अच्छा ठीक है विजय कौशिक जी, मैं जरा आपकी बात पर आगे बढ़ा देता हूं कि किसकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। देखिए, लीडरशिप तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी की है, कांग्रेस पार्टी के, देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस किसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ेगी, और जो विधायकों का निर्णय होगा, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं रहेंगे। नहीं, देखिए सब उनका चेहरा नहीं रहेगा। देखिए, किसी चेहरे, हमारे यहाँ व्यक्तित्ववाद नहीं है, हमारे यहाँ जो पार्टी के विधायक निर्णय लेंगे कि अगर हुड्डा जी को सीएम बना दिया नहीं, तो इससे पहले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को लेकर आप चुनाव नहीं लड़े थे, अगर विधायक, क्या इससे पहले आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़े थे क्या? देखिए,
समय के अनुसार परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस नहीं तो समय आप कांग्रेस पार्टी के अनुकूल नहीं रहा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पूरी तरह अनुकूल है और पार्टी के जितने भी नेता हैं सब ताकतवर हैं, सब सक्षम हैं और हर व्यक्ति को गुटबाजी का डर है, यानी कि गुटबाजी का डर है जी, गुटबाजी का डर है ना, यानी गुटबाजी। देखिए, किसी भी पार्टी के अपने एक नियम तो होते हैं, पार्टी के अंदर एकजुटता रहे। आप देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी को चुनाव में उतारने से आज पार्टी के अंदर कहीं गुटबाजी नहीं है, आज सारे के सारे नेता उनके साथ पूरी तरह से एकजुट हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहीं इस जींद उपचुनाव में डेरा डालकर नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो नाम आगे प्रोजेक्ट किया उस नाम को हटा दिया गया। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है ना कि वो नाम को किया, उस नाम का समर्थन तो रणदीप सुरजेवाला जी ने भी किया था। मुद्दा तो क्यों नहीं बना दिया उनको फिर? देखिए, मुद्दा ये है कि पार्टी तो उनको क्यों नहीं बना दिया गया जब सपोर्ट किया, यानी कि लड़े, उतर गए वो मैदान में पार्टी के एक आदेश पर, उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, ताल ठोक दी और आज पूरी कांग्रेस उनके साथ, कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं और वो रिकॉर्ड मतों से इस चुनाव में। चलिए, वो तो खैर जनता तय कर देगी कि रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड मतों से कौन जीतेगा। ये क्षेत्रीय दल हैं, ये केवल ब्लैकमेलिंग के लिए इस चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की जनता को चाहिए कि इन क्षेत्रीय दलों को जब ब्लैकमेलिंग के नहीं, आप क्षेत्रीय दल जिसकी बात कर रहे हैं जी, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में INLD क्षेत्रीय दल, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं समझ सकते। नहीं, ये आप खैर वो आपत्ति जता सकते हैं इस बात पर जो आप कह रहे हैं, लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा सा सही करें विजय जी। लेकिन ठीक है, जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आप कुछ कहना चाहते हैं दलबीर जी इस पर? जी, शब्दों में मैं बुरा नहीं मानूंगा, इनकी रीति नीति ऐसी कांग्रेस की कोई बात नहीं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा मेरे मित्र को, वो जो पंजाब में जाते थे ये कहते घोषणा पत्र में लिखा होता उनके में, हम एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा में आते हैं, अलग भाषा होती है, रणदीप सुरजेवाला के लोग क्यों वोट दें जो पंजाब में जाकर पानी को रोकने का ही काम करते हैं, तो भाषा उनकी कोई बात नहीं। जहां तक मैं फिर बार बार कहता हूं, रणदीप सुरजेवाला है या कांग्रेस है, कोई भी है, बात तो एक ही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया, ग्रुपबाजी बटी हुई है। मैं तो एक बात पूछना चाह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में रणदीप सुरजेवाला जी कैबिनेट में लगातार 10 साल मंत्री रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह 5 साल रहे हैं, क्यों नहीं विकास हुआ जींद का? जींद का विकास आप क्यों नहीं कर पाए? नंबर एक। नंबर दो, आप विधायक हो कैथल से, आप यहां से चुनाव लड़ रहे हो, क्या आप कैथल को छोड़ना चाहते हैं या जींद को छोड़ना चाहते हैं, क्या अगला चुनाव में जनता जाना चाहती है? ये बड़ा चिंता की विषय, छोटी छोटी बातें जो बहुत तकलीफ दे। चलिए, जरा आपने जो सवाल उठाया जवाब ले लेते हैं, विजय जी जवाब दीजिए आप। देखिए, मेरा बिल्कुल सीधा सा यही कहना है कि रणदीप सुरजेवाला जी की अपनी कोई व्यक्तिगत सोच नहीं थी, पार्टी ने जो SYL का बताइए। देखिए, मेरा सवाल का जवाब, मेरा SYL का जवाब, हरियाणा के हितों की लड़ाई में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कभी पीछे नहीं रहे, विधानसभा में तो बैठे नहीं वो, और मैं ये बात गारंटी से कहता हूं, उनकी इन्हीं जो कार्यशैली है उसी के चलते जो जींद के उपचुनाव में सवाल दोहराता हूँ, मैं दूसरी तरीके से पूछ लेता हूँ। अच्छा विजय कौशिक जी, SYL को लेकर यदि स्टैंड लिया जाना हो तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि पहले पंजाब के अंदर जाकर पंजाब की बात कर रहे थे, तो क्या हरियाणा के जो हक हैं उनको दरकिनार कर पंजाब की बात करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो व्यक्तिगत रूप से आरोप लगा रहे हैं कि सबसे पहले ये साबित करें कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहां पर हस्ताक्षर करके कौन सा पत्र जनता के बीच वहां नहीं ये तो अरे हरियाणा के हितों को अच्छा कहते अच्छा ठीक है ठीक है विजय कौशिक जी। अच्छा कैथल, कैथल के अंदर वो जनता के द्वारा चुने गए, कैथल में जो विकास कराया, क्या उसका एक प्रमाण दे करके वो जींद के अंदर चुनावों के अंदर वोट मांगेंगे, कहेंगे कि हाँ जी मैंने कैथल, मेरी आप सुन तो लीजिए, कैथल में हमने ये काम करवा दिए साहब, हमने ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं कैथल के अंदर, तो आप मुझे जींद के अंदर भी वोट दीजिए ताकि मैं जींद में भी ये काम करा सकूं, ऐसा कहेंगे वो? उन्होंने यही कहा है, उन्होंने अपने सारे विकास कार्यों को वहां विधानसभा की हाजिरी का भी ब्यौरा दिया। देखिए, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैं सुधे जी कितनी बार गए, वही सवाल, कोई पर्सन तो क्या क्या प्रदेश की जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती? नहीं विजय कौशिक जी, विजय जी नहीं, कैथल की जनता तो ये पूछ रही है ना, कैथल की जनता तो ये पूछ रही है ना, जींद का उपचुनाव हुआ वहां से आप वहां पर आ गए, आप कैथल छोड़ करके, कैथल की जनता के लिए जो सवाल उठाने थे आपने वहां पर, आपकी हाजिरी नहीं है उतनी,
तो कहां कहां विकास की बात कर रहे हैं? शुभेंदु जी, आज विपक्ष को कुचलने का काम भाजपा सरकार कर रही है। और नहीं, आप क्या कर रहे हैं साहब, भाजपा को छोड़ दीजिए ना, आपके आपके लिए बात है। कांग्रेस शासन में जो विकास कार्य हुए, कांग्रेस शासन की बात ही नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल के अंदर विधायक, जींद उपचुनाव के अंदर आपने उनको कैंडिडेट बनाकर उतार दिया, विधानसभा के अंदर उनकी हाजिरी नहीं, बिजली के प्लांट लगा दिए, कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, सब कांग्रेस की देन है। और विकास के मुद्दे पर ही रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जींद उपचुनाव में, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आपके पास जवाब नहीं है इस बात का, आपके पास जवाब नहीं है विजय कौशिक जी, आपके पास जवाब नहीं है, आप जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है सुधीर जी, एक मिनट, ठीक है प्रदीप जी, प्रदीप जी को चर्चा में शामिल करते हैं, प्रदीप जी, ठीक है ठीक है ठीक है, विजय कौशिक जी, एक मिनट, ठीक है सुधीर जी, मैं बड़े भाई सुधीर जी से विनती करूंगा कि ठीक है प्रदीप जी, हाँ बताइए, बोलने का मौका दिया, मैं अपनी दो बात रखूं। देखिए कौशिक जी इतने उतावले हो रहे हैं पार्टी को लेकर, बड़ा स्पष्ट है कि इनको अपना काम गिनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेशर्माई की भी कोई हद होती है। आपके बारे में बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए, आप जब बोल रहे थे आपने हर पार्टी का नाम लिया, मैं बीच में नहीं बोला, ठीक है, ठीक है, अच्छी बहस अगर करना चाहते तो आप भी मेरे बीच में ना बोलने का प्रयास करें, पहली बात। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी को जींद में आज जो विकास के ढकोसले पीट रही है कि हम इतना विकास कर देंगे, कांग्रेस को आगे ले, जींद को आगे ले जाएंगे, जींद शहर को आज तक की सरकारों ने पछाड़ दिया, बीजेपी ने 4.25 साल में काम नहीं किया, इंडियन नेशनल लोकदल ने 20 सालों में काम नहीं किया, सबसे ज्यादा समय जींद की जनता ने कांग्रेस को दिया, 25 साल का समय दिया, और आपने ही जींद को 90 की 90 विधानसभा में सबसे पिछड़ी विधानसभा बनाने का काम आपने किया, पूरा जिला, पहली बात। दूसरी बात ये जो भाई कौशिक जी बता रहे हैं कि सुरजेवाला जी और जो मुख्यमंत्री की बात है, मैं चाहूंगा कि हम भाई प्रवक्ताओं को इस चीज पे ज्यादा जिद बहस नहीं करनी चाहिए, परिवार का कलह है, ये अपने आप मरमिट के सामने आ जाएगा, हमें ज्यादा इसके ऊपर चर्चा ना करें, हमें फिलहाल जींद की जनता के लिए काम करना है, जींद की जनता पे चर्चा करें। दूसरी बात ये, जैसा कि भाई दलवीर जी मेरे बता रहे थे कि दुष्यंत चौटाला जी ने जेजेपी पार्टी का गठन किया और दिग्विजय चौटाला, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताऊं कि इस जींद के उपचुनाव के अंदर सिर्फ 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि आज की तिथि तक दिग्विजय सिंह चौटाला एक निर्दलीय कैंडिडेट है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी की जो ये बात कर रहे हैं वो पार्टी का अभी तक इलेक्शन कमीशन में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भाई दलवीर जी मेरे यहाँ पे बड़े भाई, मैं उनका सम्मान करता हूँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि और धर्म भूमि रही जींद की धरती, तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 20 दिन पीछे चले जाइए, आज से 20 दिन पहले 20 साल तक आपने भी इंडियन नेशनल लोकदल का एक पार्ट रहे, आप लोग जननायक चौधरी देवीलाल जी के उस हिस्से का पार्ट रहे, आप लोगों ने उस समय कहां विकास की बात रखी, आप सिर्फ 20 दिन पीछे जाइए, 20 दिन पहले ही जननायक जनता पार्टी का सुनिए विकास हुआ, और जो ये कह रहे हैं कि हम इसका पार्टी का गठन करेंगे, ऐसी अभी कोई औपचारिक सूचना, ऐसी कोई रिटर्न सूचना किसी के पास नहीं है कि वास्तविकता में पार्टी बढ़ेगी या इंडियन नेशनल। चलिए ठीक है, जरा जवाब लेते हैं, जरा जवाब लेते हैं, दलवीर जी से पूछना चाहूंगा किसी मुद्दे पे बात नहीं, सिर्फ दलवीर जी एक स्पष्ट ये सवाल दे कि 20 दिन पहले आप भी इंडियन नेशनल लोकदल का पार्ट थे और 20 दिन पहले 20 साल तक आपने भी राज किया, स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा जी जो कि प्रेजेंट में पीछे जिनकी निधन की वजह से ही उपचुनाव हो रहा है वो भी आपकी पार्टी से थे, अब प्लीज जवाब दीजिए आपने कितना काम कराया जिंदगी। ठीक है सुमेंदु जी, मेरे छोटे भाई एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव चिन्ह हमें अभी अलॉट नहीं हुआ है, आज हो गया सर वैसे कंप्लेंट का, नहीं 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 पार्टी का मैंने बोल दिया हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, कंप्लेंट हमें निशान मिल गया है, जहां तक मेरे छोटे भाई कह रहे हैं जो हालत आज हमारी है पार्टी की, एक महीना पहले इनकी पार्टी की वही हालत थी, क्यों रजिस्ट्रेशन इन्होंने भी कराया है, चुनाव चिन्ह इनका बाई चांस, हालांकि निगम चुनाव में नहीं आया था इनका, अब आ गया है, तो पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, नई पार्टी जब गठित होती है उसका एक प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का भी, निशान मिलने का भी, बिल्कुल नई पार्टी जननायक जनता पार्टी हमारी, झंडा हमारा तय हो गया है आप सबने पता है, और पार्टी का नाम हमारा तय हो गया है, निशान हमारा भी नहीं आया है, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट। जहां तक जननायक ताऊ देवीलाल, जननायक ताऊ देवीलाल ने तो पूरा हरियाणा ही बनाया है, शुरुआत उन्हीं की हुई, हरियाणा को बनाने में जननायक ताऊ देवीलाल का ही नाम है, और जो भी व्यक्ति चाहे नरेंद्र मोदी जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, कोई भी आए,
कांग्रेस की तो मैं कहता नहीं, क्यों कांग्रेस से ही थे पहले, कांग्रेस से अलग होकर गए, और हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में एक पहला दल ऐसा था ताऊ देवीलाल का जो वापसी उसी पार्टी में नहीं गया, न तकरीबन पार्टियां जहां से निकले वहां या किसी और में जाके विलय होगी। और मेरे कांग्रेस के एक मित्र ने एक बात आज कही, बड़ा दुख होता है एक बात पे, इनकी हालत आज यूपी में यह है 80 में से 2 सीटें छोड़ी जाती हैं क्षेत्रीय दलों के माध्यम से, क्षेत्रीय दलों पर उंगली उठाने की बात है, या तो आज ये ऐलान करके जाएं हम हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्रीय दल से अलायंस नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दल रियल दल हैं, हमारे सीएम दिल्ली से कभी बन के नहीं आएंगे टेबल के नीचे से, हमारे सीएम डिक्लेयर होते हैं, तय होते हैं, फिर बनते हैं। आपको ध्यान होगा 2005 में चौधरी भजनलाल जी के लिए मैंडेट मिला था इस प्रदेश में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया, उसके बाद मनोहरलाल खट्टर जी को नहीं मिला था, भारतीय जनता पार्टी को मिला अंडर द टेबल, उनको भी बैठा दिया। आज हालत क्या है, हर मामले में दिल्ली जाया जाता है क्या काम करें क्या नहीं करें। माननीय मेरे छोटे भाई, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, राजकुमार सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, सांसद हैं, नई पार्टी बना ली, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं उसको निकाल के बाहर कर दिया जाए, ये हिम्मत नहीं है। और राजकुमार सैनी जी में भी हिम्मत नहीं है, 6 महीने पहले रिजाइन देगा अपनी पार्टी के, रिजाइन क्यों नहीं दिया राजकुमार सैनी जी, ठीक है ये अलग विषय है, हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं सुरेंद्र जी आपके पास ही आना चाहता हूँ जरा जींद उपचुनाव को लेकर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं चुनाव से पहले जब बयानबाजी होती है, बीरेंद्र सिंह की तरफ से दिल की बात सामने आ गई, दर्द दिल इसको कह रहे हैं कई लोग, तो यदि ऐसी बयानबाजी होती है मुख्यमंत्री जहां अलग स्टेटमेंट होती है, सांसद की तरफ से अलग स्टेटमेंट दे दी जाती है, और चुनावों से पहले अक्सर ये होता है बयानबाजी ऐसी होती है, लेकिन उसका चुनावों पर असर कितना होगा, और खास करके जींद उपचुनाव जिसको हरियाणा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव, तो इस पर कितना असर होगा इन बयानबाजियों का? देखिए आपको बयानबाजी से पहले वहां का परिवेश क्या है इसको देखना होगा, तभी आप कह सकते हैं कि भाई उस बयानबाजी का क्या असर होगा। पहला जैसे मैंने कहा कि जींद जाटगढ़ नहीं है, जींद शहर में जो विधानसभा की सीट है वो जाटों के दम पे नहीं जीती जा सकती, यही कारण था कि इतनी बड़ी जाटों की प्रतिनिधि पार्टी इनेलो होते हुए भी उन्होंने मिड्डा जी को टिकट दिया था, ठीक है जी। तो उसके बाद अब वहां पर 3 जाट लीडर खड़े हो गए, दिग्विजय सिंह खड़े हो गए हैं, वो खड़े हो गए हैं, रणदीप सुरजेवाला खड़े हो गए हैं, अब 3-3 जाट लीडर है और सीट जाटों की नहीं है, तो इस स्थिति में कोई भी जाट लीडर कोई भी बयान दे, हमको ये देखना है कि जाटों का पोलराइजेशन किधर होगा। इस बात को कहने में किसी को मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जाट इस समय ये महसूस करता है कि भाई वो उपेक्षित है और वो अपने को असर्ट करना चाहता है, उस असर्शन में वो एक जगह जाएगा ये मेरा मानना है। अब वो सुरजेवाला पे जाएगा, INLD पे जाएगा या वो दिग्विजय पे जाएगा, मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि चूंकि इनेलो की जो ये नई पार्टी बनी है इनेलो से टूट के जजपा, तो एक तो यूथ के हाथ में है, दूसरा क्या है इनका पुराना कोई बैगेज नहीं है, जो लोग नाराज थे भाई इनेलो ने ये किया वो किया जमीने हड़पी फलाना ढिमका जो भी एक बैगेज होता है पुरानी पार्टी का, तो वो बैगेज उनके साथ उतना नहीं है, और उसने अपने भाई को उतारा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक असेसमेंट किया है कि यूथ हर कास्ट का हमारे साथ वहां पे आएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के स्टेटमेंट को ये भी लें कि उन्होंने इशारा जाटों को किया है कि भाई बहुत अच्छा डिसीजन है सुरजेवाला के लिए, तब भी उसको सुरजेवाला जी को कोई फायदा वहां पे नहीं होने वाला है। उसके दो कारण है मुख्य, पहला कारण तो ये है कि वो ऑलरेडी MLA है, ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में सिटिंग MLA को लड़ाने का कोई औचित्य किसी को समझ में नहीं आता है, आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे फिर दूसरी जगह चुनाव आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा कि ये हार जीत का प्रश्न नहीं है, ये वाटर टेस्टिंग है, उस वाटर टेस्टिंग के लिए रणदीप सुरजेवाला को यहाँ पे भेजा गया है कि भाई आप जाट हैं, वो जींद जाट लैंड है,
वहां उनको पता भी नहीं होगा राहुल जी को कि भाई जीत जींद प्रॉपर की जो सीट है वो जाटों की सीट नहीं है, और उनको ये ले जाके यहाँ पे उतार दिया है कि भाई आप कुछ करके दिखाइए। तो कहा जा रहा बलि का बकरा तो नहीं, बलि का बकरा तो नहीं कहते हैं, लेकिन एक आदमी मैदान में फेंक दिया है तो उसको लड़ना है, तैरना है, अभी नहीं तो अगली बार तैरना है। क्या ऐसा भी है कि हारे जीते लेकिन चेहरा वही? तो इसलिए इसमें जो वोटों का ध्रुवीकरण है, उसके बाद आपने पूरे डिस्कशन में जो सवर्ण को आरक्षण दिया उसकी हमने बात नहीं की। उस आरक्षण के चलते हुए भी वोटों का एक पोलराइजेशन होगा कि भाई हमें कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है। और जहां तक ये जो नई पार्टी बनी है सैनी जी की, जो सबको गाली देती, मतलब इनको भाजपा को भी है, कांग्रेस को भी, सबको ये कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। इनका तो अपना कोई मॉरल नहीं है, अगर मॉरल होता तो सैनी जी इस्तीफा देते, मैदान में उतरते। भाजपा क्यों निकाले? भाजपा ने तो उसको भी नहीं निकाला, वो बिहार वाले जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनको भी नहीं निकाला। भाई निकालेंगे तो तुम एमपी बने रहोगे, नहीं निकाले देंगे तो व्हिप में तुमको वोट डालना है, व्हिप में वोट नहीं डालोगे तो मेंबरशिप चली जाएगी। तो हर पार्टी अपना खेल खेलती है, ठीक है, लेकिन अगर मॉरल ग्राउंड पे खड़े होते तो इसलिए ये वोट कटवा पार्टी से ज्यादा नहीं होगी। उनके प्रवक्ता बैठे, इन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण का सवर्ण का वोट इनकी पार्टी के कैंडिडेट को, भले ही वो बहुत अच्छे ब्राह्मण है, वो नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, ये मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। पिछले चुनाव में एक शर्मा जी खड़े हुए थे अपने गुड़गांव से, सुरेश शर्मा, और मारुति के वो यूनियन के लीडर थे, और उनकी मीटिंग में 800 तो वर्कर ही आए थे मारुति के लोकल गुड़गांव के, और उनको 800 ही वोट मिले। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चलिए समय समय बहुत है, ऐसे नहीं वोटिंग होती है कि भाई मेरे पास का है तो मुझे वोट। मैं गुरुजी का सम्मान करता हूँ, गुरुजी से सिर्फ दो ही बात ये करना चाहूंगा। नहीं, बहुत कम समय है प्रदीप जी, बहुत जल्दी से, बहुत कम समय। पहली बात तो ये कि गुरुजी ने जो ये कहा कि ब्राह्मणों का जो उदाहरण दिया, मैं सभी को यहाँ पे बताऊंगा, गुरुजी से भी विनती करूंगा कि थोड़ा अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी अपने नजर में रखें। चलिए ठीक है, सुनिए दूसरी बात प्रदीप जी, जो ये बता रहे हैं कि जेजेपी पार्टी की जो ये बात कर रहे हैं कि कोई बैगेज उस पार्टी का नहीं है, कि किसी भी मंच पर या किसी भी चैनल पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जेजेपी पार्टी के जो संरक्षक के तौर पर आज पूरा मीडिया दिखा रहा है वो एक भ्रष्टाचार की वजह से जेल में है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। वो नौकरी देने में ठीक है, नौकरी देने में जैसे राजकुमार सैनी जी साजिश, आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है, आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते, आपको सबको पता है, ठीक है। परंतु विजय कौशल, ठीक है, बहुत कम समय। विजय कौशल, लोग जातिगत रंग दे रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जाट समाज पूरी तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ है। सुनिए, इसका सबूत यह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी इस बात को मान रहे हैं। वो तो चले चुटकी भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ठीक है। सुदेश जी, सुदेश जी बहुत जल्दी से ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, विजय जी हो गया ठीक है। जननायक जनता दल, इनकी आपसी कलह है, इनकी घरेलू लड़ाई खत्म नहीं हो रही, हम विकास और ईमानदारी के नाम पर प्रचंड बहुमत से जींद में जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो समय ज्यादा इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। लेकिन फिलहाल जींद के इस उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे समय नजदीक पहुंच रहा है, बेहद दिलचस्प हो गई ये लड़ाई, और हर रोज जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है इस चुनाव के अंदर तड़का मार रही है, लेकिन जनता को ही तय करना है आखिर किस तरफ उनको जाना है। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।